मध्य प्रदेश शासन के तरफ से एमएसएमई विभाग को अत्यधिक प्रोत्साहित करने के दृष्टि से एमएसएमई यूनिट्स को काफ़ी संख्या में और वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोत्साहित करने के दृष्टि से 653.93 करोड़ का यानी कि लगभग 654 करोड़ का प्रावधानित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो एमएसएमई विभाग का जो काम है उसमें एमएसएमई यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो करते हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खासतौर पर हमारे दो ऐसे स्कीम्स हैं। एक है एमएससी सीडीपी योजना जो भारत सरकार के सहयोग से क्लस्टर डेवलपमेंट के अंतर्गत जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हमें डेवलप करना है उसके लिए प्रोत्साहन करने की दृष्टि से, और साथ ही स्टेट क्लस्टर्स का पॉलिसी यानी कि इसमें निजी व्यक्तियों के द्वारा निजी संस्थाओं के द्वारा एसपीवी बनाकर क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए जैसे कि टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, टॉयज, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इस तरह के विभिन्न तरह के एमएसएमई यूनिट्स डालने के लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट लाना है उसके लिए पिछले साल जो एक पॉलिसी, नई पॉलिसी और अभिनव पॉलिसी और मध्य प्रदेश शासन का अनोखा पॉलिसी जो किसी भी अन्य राज्यों में नहीं है, उस पॉलिसी के तारतम्य में भी जो है उसको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इसमें लगभग 290 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अत्यधिक आवश्यक है यानी कि हमारे जितने पुराने और नवनिर्मित जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसके वृद्धि के लिए भी लगभग 90 करोड़ का इसमें प्रावधानित किया गया है। और हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज आधुनिकता के साथ में और आवश्यक अधोसंरचना को विकसित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से भी बजट में काफ़ी बड़ा प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सोच है कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, स्वरोजगार में विशेष रूप से उन्हें बढ़ावा देने के लिए, और जो व्यक्ति, जो युवा स्वरोजगार के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार निर्मित करता है वो न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देता है। इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच की अवधारणा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाई गई है और इसके लिए लगभग 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी मध्य प्रदेश में ऐसे युवा हैं जिनके पास एक अच्छी सोच है, आइडियाज हैं, नया कुछ करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बिजनेस, सर्विसेज, रिटेल, इससे संबंधित गतिविधियों में भी आप अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बहुत ही अच्छी योजना जिसमें हम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में 1% CGTMSE फीस भी हम इसमें यानी कि लगभग 4% इंटरेस्ट के बराबर का मध्य प्रदेश शासन इसमें प्रावधानित कर रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हाल ही में नया स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है। इस स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से भी युवाओं के द्वारा जिनके पास इनोवेशन है, आइडियाज़ हैं और स्टार्टअप निर्मित करते हैं, कोई इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करता है जिसमें स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं उसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस बार के लिए 5 करोड़ प्रावधानित किया गया है। और हमारे पास जो राशि उपलब्ध है इसके माध्यम से हम नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेंगे। इसमें MP स्टार्टअप सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं और वेंचर कैपिटल फंड माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल ही में 26 जनवरी को इंदौर में जो घोषणा किया गया है, वेंचर कैपिटल फंड जो पहले अन्य विभागों के पास था उसे MSME विभाग में सम्मिलित किया गया है और उसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है युवाओं के लिए इस बजट के माध्यम से कि स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके अंतर्गत अपना नया स्टार्टअप स्थापित करें और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत, वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। पहली बार ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत भी जिसमें MSME विभाग के पास 7 जिले हैं और इसमें अन्य विभाग भी इस योजना के अंतर्गत, अभिनव योजना के अंतर्गत ODOP यानी कि एक जिले में एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में
उस जिले के लिए पहचान बन रहा है और वहाँ पे बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स स्थापित हो रहे हैं या पहले से स्थापित हैं, उनको बढ़ावा देने की दृष्टि से इस बार पहली बार ओडीओपी योजना के लिए एमएसएमई विभाग में 5 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है।